CA Foundation and CA CPT results are just around the corner and the momentum is setting in. Friends, मैं जयेश पोपट आज आप सबके साथ एक बहुत ही important message share करना चाहूंगा. मैं आप सबको request करता हूं कि इस video को एकदम end तक देखें so that मेरा message आप तक properly communicate हो सके. सबसे पहले मैं आप सबके साथ अपने CA बनने के बाद की journey share करना चाहूंगा. I qualified as a chartered accountant in 2007. और क्वालिफाई होते ही आई वाज लकी इनफ के मेरे को केपीएमजी जो कि एक बिग फोर कंसल्टेंसी फर्म है उसमें जॉब मिल गई. आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे. मैं उसको आज भी विजुअलाइज कर सकता हूं कि आईसीआई के कोलकाता के कैंपस इंटरव्यू में केपीएमजी ने अप्रोक्सीमेटली 300 जन का इंटरव्यू लिया था जहां पे ग्रुप डिस्कशन पैनल इंटरव्यूज पर्सनल इंटरव्यूज भी हुए थे एंड आउट ऑफ देम दे सिलेक्टेड 3 to 4 पीपल एंड आई वॉज लकी इनफ टू बी वन ऑफ देम. KPMG मेरे लाइफ का सबसे एनरिचिंग एक्सपीरियंस है बिकॉज उस जगह पे जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है. आई वॉज एबल टू वर्क ऑन वेरियस रेप्यूटेड असाइनमेंट्स लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, लिमिटेड रिव्यूज, IFRS, US GAAP conversions, और ये सब काम भी किसके साथ किया? For one of the most reputed listed companies and multinational clients. तो ये जो जर्नी है मेरी CA बनने के बाद की जो मैंने KPMG में बताई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग टाइम्स ऑफ माई लाइफ. यहां पे बहुत सी चीजों पे काम किया लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS अप्लाई करने के ऊपर, लॉ के कंप्लायंसेस चेक किए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किए एटसेट्रा. एंड ये जर्नी और भी ज्यादा फुलफिलिंग रही बिकॉज फ्रॉम द एंट्री लेवल टू द मैनेजर लेवल मेरा प्रमोशन होता रहा. इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 years आई वॉज प्रमोटेड एज अ मैनेजर. तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. वेन आई बिकेम अ मैनेजर मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी आ गए. तो मैं फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यूज भी लेता था. इस इंटरव्यूज के समय मेरे को रियलाइज हुआ कि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं वो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट से बात करते हैं, वो थ्योरिटिकली चीजों को अप्रोच करते हैं, बट जब आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो तो वो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चेक करते हैं. उस समय इन 2014 आई आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी कि भाई यहां पे इस डोमेन में टीचिंग प्रोफाइल में बहुत ही ज्यादा स्कोप है बिकॉज जो मैंने इतने सालों में केपीएमजी में फॉर ओवर 7 years जो मैंने काम किया, मैं ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज एजुकेशन के फॉर्म में स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर सकूं सो दैट जो प्रोफेशन है हमारा उसकी जो क्वालिटी है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और ये क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मैं एनहेंस करने में काम कर सकूं. दैट इज व्हेन आई टुक अ डिसीजन कि मैं टीचिंग डोमेन में आऊंगा. इट्स बीन रफली 4 years एंड इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड. जितना एक्साइटिंग मेरा केपीएमजी का सफर रहा उतना ही एक्साइटिंग अभी तक मेरा ये टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है. स्टूडेंट से जो प्यार जो रिस्पेक्ट मेरे को मिला है उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं. नाउ एज वी नो कि आपका सीए सीपीटी और सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अभी कुछ दिनों में निकलने वाला है, तो अभी आप लोग सब उस मोड में आ गए होंगे कि आपने रिसर्च करनी शुरू कर दी होगी कि भाई आपका जो इंटरमीडिएट लेवल है उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स है एटसेट्रा. हमने ऑलरेडी काफी टाइम से हमारे यूट्यूब चैनल जयेश पोपट पे पूरे इंटरमीडिएट कोर्स की डिटेल अपलोड किए हुई है. आप उसको जाके देख सकते हो और आपको इंटरमीडिएट कोर्स की पूरी डिटेल पता चल जाएगी. ऑल्सो अभी ये जो कोर्स है इसमें जो जो सब्जेक्ट्स है उसके कोचिंग के बारे में भी अभी आपने सोचना शुरू कर दिया होगा कि आपको किन सब्जेक्ट की कोचिंग किससे लेनी है. हाउ डू वी चूज आवर कोचिंग? नॉर्मली हम हमारे सीनियर्स को पूछते हैं और सीनियर्स हमें रिकमेंड करते हैं, उसके बेसिस पे हम हमारी चॉइस करते हैं. सो बेसिकली हम खुद की चॉइस खुद नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम हमारे सीनियर की चॉइस को हमारे ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो इट इज जस्ट लाइक फॉलोइंग द क्राउड, बट द थिंग्स हैव चेंज्ड. अभी डिजिटल एज में ये इंफॉर्मेशन एज मानी जाती है. आज ऑलमोस्ट सारे टीचर्स के वीडियो उनके यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल होते हैं. तो हम क्या करते हैं, आज के दिन में स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हो गए, आप लोग सबके यूट्यूब चैनल्स में जाते हो और वीडियोस देखते हो और अपना चॉइस अपने आप करते हो कि किन टीचर का टीचिंग स्टाइल आपको सूट करता है, कौन से टीचर्स कितने डिटेल में कोर्स को कंडक्ट करते और अपना डिसीजन आप अपने आप लेते हो, विच आई बिलीव इज द वेरी करेक्ट वे. हमने भी हमारे यूट्यूब चैनल जयेश पोपट क्लासेस में
हमारे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के वीडियोस कुछ क्लासेस अपलोड करके रखी है जिसको आप देख के अपना डिसीजन ले सकते हो. राइट, फॉर मोस्ट ऑफ यू हु नो कि मैं इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ. तो हमारे बारे में भी शायद आपको आपके किसी सीनियर ने बताया होगा कि उन्होंने हमारे प्लस क्लासेस लेकर अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए, या आपने अपने यूट्यूब सर्च के द्वारा हमें खोजा होगा और हमारे क्लासेस देखे होंगे. बट आज मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि भाई अगर आप हमें ज्वाइन करते हो फॉर प्रेपरेशन ऑफ योर इंटरमीडिएट कोर्स अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग, तो किसी और को चूज नहीं करके क्यों आपको हमारे पास कोचिंग लेनी चाहिए. भले ही आपको किसी ने रेफरेंस दिया है कि भले ही आपने हमारे YouTube वीडियो देखे और आपको अच्छे लगे, बट स्टिल आई फील दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके साथ मैं शेयर करूं कि यहां पे ज्वाइन करके हमारे साथ आपका प्रेपरेशन करके आपको क्या एडवांटेज है. सबसे बड़ा एडवांटेज इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू कि मैंने 7 साल से ज्यादा KPMG पे काम किया है, ऑडिट एंड अश्योरेंस प्रैक्टिस में काम किया है, जहां पे मैंने लोगों के बड़ी बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, MNCs के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हैं, एटसेट्रा. तो जो मेरा पढ़ाने का अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है. मैंने चीजों को लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है जिन चीजों को आप पढ़ने वाले हो. तो अगर आप अपने अकाउंट्स के सिलेबस को भी देखो तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और भी काफी अकाउंटिंग एप्लीकेशंस है. तो जब मैं पढ़ाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उन टॉपिक्स को रिलेट करा सकता हूं. हमारे जो डिस्कशंस होते हैं वो थ्योरेटिकल नहीं होते, और जब कोई चीज आपको प्रैक्टिकली बताई जाती है तो वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है और ज्यादा समझ में आती है. एंड दैट इज व्हाई आवर क्लासेस आर कॉन्सेप्ट ड्रिवन क्लासेस, क्योंकि जब आप एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हो तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट इंस्टॉल हो जाते और कॉन्सेप्ट फाउंडेशन, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है. बहुत बार स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर एग्जाम में अगर कोई नई टाइप की सिचुएशन आती है, कोई नए एडजस्टमेंट्स आते हैं, तो हम किसको किस तरह से टेकअप करेंगे. हमेशा मैं बोलता हूं कि अपने कॉन्सेप्ट्स पे रिलाई करो, उसको अपने कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से इवेल्युएट करो, हमेशा आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन मिलेगा. हमारे जो कोलकाता में क्लासेस है वो लाइव फेस टू फेस क्लासेस है, और लाइव फेस टू फेस क्लासेस के बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं. बिकॉज आई वुड शेयर समथिंग विथ यू, वी एज टीचर्स आर फेस रीडर्स. हम आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं और समझते रहते हैं. तो भले ही क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए, 300 बच्चे बैठे हुए, हम कॉन्स्टेंटली बच्चों के जो एक्सप्रेशन है उसको चेक करते रहते हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इवन 1% डज नॉट अंडरस्टैंड इट, We go to the last mile to ensure कि उसे क्लास में सारी चीजें ठीक से समझ में आए, सारे कॉन्सेप्ट उसके ठीक से कवर अप हो. सेकेंड एडवांटेज ऑफ लाइव क्लासेस इज इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस. किसी कॉन्सेप्ट में, किसी चीज में अगर आपको डाउट है और अगर उस डाउट को आप अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं करते हो तो वो डाउट हमेशा के लिए रह जाता है. तो यहां पे लाइव फेस टू फेस क्लासेस में डाउट आया आप पूछ लो, क्लास के बाद आप पूछ लो, बट अगर उस डाउट को लेकर घर जाओगे तो हमेशा जो डाउट्स आए आपको याद नहीं रहेंगे, एंड अल्टीमेटली जब फाइनल रिविजन का समय आएगा तब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा कि ये डाउट बरकरार है, हम इसको ओवरकम नहीं कर सके. The most important part is the constant personal touch. We as teachers are not only responsible ke apna subject padha diya aur kaam khatam. We as teachers are your friends, your philosophers and your guides. CA ka jo course hai na ek race nahi hai. CA ka course ek marathon hai. Agar intermediate course ki main baat karu to intermediate course ka result nikalne ke baad approximately 9 mahine ka time span hota hai. जहां पे आप कंटिन्यूसली एवरीडे 2 से 3 ट्यूशंस में जाते हो, आपके कॉलेज का भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशंस, बहुत सारी नेगेटिविटी डेवलप होती है, और हो सकता है कि आप अपने फोकस से बाहर चले जाओ, आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाओ. तो वी एज टीचर्स वी एक्ट एज योर सपोर्ट सिस्टम. हम कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेट करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके जो डाउट्स है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सुनते रहते हैं और आपको उसका सोल्यूशंस देते रहते हैं. हम ट्राई करते हैं कि हम आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखें, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सक्सेसफुली क्लियरिंग दिस कोर्स. अभी देखो, प्रिपरेशन इज वन पार्ट ऑफ इट,
बट वो प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. तो हमारे यहाँ सिस्टम है कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं. जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है हम उसकी टेस्ट लेते हैं, और एंड में पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हम उसकी मॉक टेस्ट भी लेते हैं. इसके दो तीन एडवांटेज, एक लार्जर वेराइटी ऑफ सम्स कवर हो जाती है, दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मॉक टेस्ट पेपर्स के द्वारा केटर कर लेते हैं, सो दैट आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सको. हम कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक डिटेल्ड रिवीजन प्लान बना के देते हैं, खाली हमारे सब्जेक्ट का नहीं, ओवरऑल प्लान बना के देते हैं कि भाई जब आपके ट्यूशन्स खत्म हो जाएंगे, 2 से 2.5 महीने का टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा, तब आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को डिवोट करना है, किस फॉर्मेट में प्रिपरेशन करना है, कितनी बार रिविजन करना है. बिकॉज वॉट आई बिलीव इज कि अगर किसी चीज को हमने रिवाइज नहीं किया है तो इट इज एज गुड एज नॉट डन. क्योंकि किसी चीज को अगर हमने 2-3 महीने पहले पढ़ा है तो रिविजन के बिना उसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा ब्लीक रहेगी. हम हमारे क्लासेस में जो रीसेंट पास्ट टर्म है उससे लेकर एटलीस्ट 8 से 10 टर्म के क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व कराते हैं, सो दैट एक ट्रेंड पता चल जाए, एक लार्ज रिपोजिटरी सम की हमारी प्रैक्टिस हो जाए. और अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल पेपर है, यहां पे अच्छा स्कोर करना बहुत ही जरूरी है. नाउ वील टॉक अबाउट द आइसिंग ऑन द केक. यस, हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्लियर तो करते ही हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का स्कोर भी 60% से ज्यादा रहता है, इवन 70s-80s में स्कोर करते हैं. और इससे क्या फायदा होता है कि ग्रुप का जो ओवरऑल टोटल आपको अचीव करना है वो भी आप आराम से अचीव कर सकते हो. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग योर सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंटिंग विथ अस. वी आर considered as the most appropriate guide because of the practical knowledge, because of the concept based classes. और ये सब मेरे बोलने पे नहीं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाओ, हमारा YouTube चैनल जो कि जयेश पोपट के नाम से, उसको सब्सक्राइब करो. वहां पे हमने पूरे पूरे चैप्टर्स, 2-3 chapters, 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाले हुए, आप उनको देखो और अपने आप सेल्फ इवेल्युएशन करो कि क्या क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और कितना डिटेल्ड यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है. अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पे दी गई है, हमें भी पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स. हमारे सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के क्लास 1st week of February से कोलकाता में लाइव फेस टू फेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके एडमिशंस स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजल्ट. जो स्टूडेंट पेनड्राइव क्लासेस में है वो प्री बुकिंग अभी ऑफर निकलेगी, इसमें पेनड्राइव को अपनी बुक कर सकते हैं, बिकॉज काफी डिमांड रहती है. तो जैसे डिमांड आती रहती है, अगर प्री बुक किया है तो आपको जल्द से जल्द अपने कोर्सेज मिल जाएंगे. जो स्टूडेंट आउटसाइड कलकत्ता के हैं उनको हमारे फ्रेंचाइजी लोकेशन की लिस्ट हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, वहां से वो लिस्ट देखकर जा सकते हैं. और इवन पेनड्राइव और फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स के साथ भी हम मेंटर्स एलोकेट करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली आपके टच में रहते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहते हैं. हम रूटीन बना के देते हैं जिस रूटीन के हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे. एंड इवन फ्रेंचाइजी और पेनड्राइव स्टूडेंट के टेस्ट भी होते हैं, उनको टाइमली पेपर्स ईमेल किए जाते हैं और उनका इवेल्युएशन भी होता है. नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज. अभी आप अपना इवेल्युएशन करें, जरूर 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 हमारे यूट्यूब चैनल में जाके हमारे क्लासेस देखें और अपना इवेल्युएशन खुद करें. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट. थैंक यू सो मच.